जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को इसी क्लास का इंतजार था। आप सभी कह रहे थे कि ये जो है क्लास कब आएगी। मैंने 8 चैप्टर आपको पता है ब्लूप्रिंट के अनुसार एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो के अंदर करवा दिया है। तो दोस्तों, आज जो हिस्ट्री है कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, आज 9वां चैप्टर भी मैंने लिया है, 10वां चैप्टर भी लिया है मैंने, 11 यानी 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, यानी कुल मिला के आपको पता होगा दोस्तों हिस्ट्री के अंदर 12 चैप्टर हैं। ठीक है, बाकी जो चैप्टर थे वो हट गए, तो ये प्रमुख 12 चैप्टर आपके सामने है ब्लूप्रिंट के अनुसार हम देखेंगे। तो इस क्लास को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिएगा, आपको पता होगा दोस्तों, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदी, ये तीन सब्जेक्ट मेरी हैं। ठीक है, मैं करवा रहा हूं, तो दोस्तों इनमें आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। ठीक है, और मैं आप सभी को नोट्स के लिए बोल रहा था कि जैसे नोट्स की प्राइस आपको पता है 50 रुपए है नोट्स। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर मिलते हैं पीडीएफ के रूप में, लेकिन दोस्तों अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो अब आप नोट्स मत खरीदिएगा। ठीक है, जो खरीदना चाहते हैं, जो पढ़ सकते हैं कि भाई मेरे में खरीद सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा है, पूरे साल मैंने मेहनत की है, तो मैं रिविजन जो है वो अच्छे से कवर कर सकता हूं। तो आप जो है चाहो तो नोट्स खरीद सकते हो, नोट्स की प्राइस 50 रुपए है, लेकिन अगर पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए तो सीरीज तो आपको आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए दोस्तों। सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा, 30 रुपए है, ज्यादा पैसे नहीं लग रहे, 30 रुपए में मिलेगी वो व्हाट्सएप पर, जिन्होंने खरीद रखी है बहुत अच्छी बात है। सीरीज को पढ़ते रहना दोस्तों, अगर पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए तो मैं दावा ठोकर कहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आएंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके सीरीज में से मिलेंगे। इसलिए आप सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, 9वां चैप्टर है आपका उपनिवेशवाद और देहात, कक्षा 12 इतिहास बोर्ड परीक्षा 2024 तैयारी ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका उपनिवेशवाद और देहात, ये 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। ये सभी चैप्टर देखने वाले इस क्लास के अंदर। आगे देखिएगा, अध्याय नंबर 10 है विद्रोह और राज, ये जो चैप्टर है आपका, ये भी 6 नंबर का चैप्टर है। उसी प्रकार से अध्याय नंबर 11वां है महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, ये चैप्टर 7 नंबर का है और यहां से एक बड़ा प्रश्न बनने वाला है। उसी प्रकार 12वां चैप्टर है संविधान का निर्माण, इस चैप्टर से भी एक बड़ा प्रश्न बनेगा 4 नंबर के अंदर निबंधात्मक में। दोस्तों ये जो है 6 नंबर का आपका चैप्टर है, तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी प्रमुख आपके सामने जो है वो कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 25 नंबर, यानी कि इस क्लास के अंदर आपके 25 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। जिन्होंने सीरीज खरीद रखी है वो अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। तो आप एक बार जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करूंगा, मैं यहां पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न की भी बात करूंगा, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, सभी प्रकार के प्रश्नों की यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहा हूं तैयारी। ये चैप्टर तो आप प्रश्न याद करना ही है, इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने जल्दी मैराथन क्लास लगा रहा हूं दोस्तों। मैं दावा ठोकर कहता हूं कि दोस्तों पिछली बार भी मैंने जो करवाए थे वो है जैसे के जैसे बोर्ड में छपे, अब की बार भी छपेंगे दोस्तों, अब की बार भी छपेंगे, आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं तो ले लेता हूं फटाफट, देखिएगा। तो दोस्तों आगे आपके सामने 9वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, ये 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, 6 नंबर का, ठीक है। आप देख सकते हैं 6 नंबर इस क्लास के अंदर पक्के हैं दोस्तों, इस चैप्टर के तो आपके पक्के हैं, 25 नंबर करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, आपके सामने यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, उपनिवेशवाद। देखिएगा दोस्तों क्या पूछा है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो उत्तर आपको लिखना है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा, ठीक है, दूसरे कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिकार करना, उस देश का क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा दोस्तों। याद रखना, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उस पर अधिकार कर लेना क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा दोस्तों। याद रखना, उपनिवेशवाद यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से यदि मैं आगे बात करता हूं आपके सामने, आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि कपास गांव से मंडी ले जाने का चित्र कब प्रकाशित हुआ। इसी चैप्टर के बीच में से आप देखेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस चैप्टर में एक पेज दे रखा है, उस पेज से मैंने क्वेश्चन उठाया, क्या पता पूछा जाए। देखिएगा, कपास गांव से मंडी ले जाने का चित्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ, तो यह प्रकाशित हुआ आपके लंदन न्यूज में। किसमें? लंदन न्यूज में 20 अप्रैल 1861 को यह प्रकाशित हुआ था, याद रखें। देखिएगा दोस्तों, एक-एक प्रश्न को मैंने यानी सिलेक्ट किया है बोर्ड परीक्षा पर मध्य नजर रखते हुए। ये क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाएंगे, ये जितने भी जो लिख रखे हैं दोस्तों ये आपको सीरीज में मिल जाएंगे। अब आपके पास उतारने का भी टाइम नहीं है तो आप सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार से देखिएगा आगे, आगे आपके सामने दे रखा तीसरा क्वेश्चन कि सबसे पहले औपनिवेशिक शासन, एक नंबर के अंदर कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले जो औपनिवेशिक शासन है वो कहां स्थापित हुआ, तो बंगाल में स्थापित हुआ था, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले औपनिवेशिक शासन जो है बंगाल में स्थापित हुआ था। नीलामी से आप क्या समझते हैं, नीलामी, देखिएगा दोस्तों, नीलामी यानी दोस्तों ऊंची कर, ऊंची बोली, जमीन की ऊंची बोली लगाकर बेचना, नीलामी कहलाती है। जैसे देखिएगा,
ये आमतौर पर सामान या सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया होती है जिसे उच्च बोली लगाकर बेचा जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों नीलामी। ठीक है, तो नीलामी सबसे पहले औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित हुआ, याद रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा, क्वेश्चन चैप्टर भी ज्यादा है, तो दोस्तों प्रमुख टाइम लगेगा। ठीक है, वर्तमान देखिएगा, वर्धमान के राजा के साथ नीलामी की घटना कब हुई थी? चैप्टर के बीच में से बने क्वेश्चन है, तो देखिएगा 1797 में पश्चिमी बंगाल में हुई थी दोस्तों। वर्धमान के राजा के साथ नीलामी की घटना हुई थी 1797 में पश्चिमी बंगाल के अंदर। इसी प्रकार से देखिएगा आगे, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चार्ल्स कार्नवालिस कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, चार्ल्स कार्नवालिस कौन था? तो उत्तर आपको लिखना है चार्ल्स कार्नवालिस। ठीक है, ब्रिटिश सेना का यह कमांडर था। अगर पूछा जाए कि चार्ल्स कार्नवालिस कौन था, तो याद रखना ब्रिटिश सेना का क्या था, कमांडर था। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त कहां लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो 1793 में बंगाल में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखें। और इस समय जो है कार्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से राजा शब्द का जो प्रयोग है वो अक्सर किसके लिए होता था, किसके लिए किया जाता था? तो शक्तिशाली जमींदार। और दोस्तों यहां पर जो है किसका प्रयोग, राजा शब्द का प्रयोग जो है वो शक्तिशाली जमींदार के लिए किया जाता था। एक आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है रेत, देखिएगा रेत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रेत। तो रेत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए होता था, याद रखना दोस्तों। रेत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए होता था और राजा शब्द का प्रयोग शक्तिशाली जमींदार के लिए होता था। उसी प्रकार से देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके सामने, आगे देखिएगा रेत शब्द का प्रयोग, अभी देखो ये मैंने बोला ये क्वेश्चन आ गया, तो रेत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में किसानों के लिए होता था, याद रखना राजा शब्द और रेत शब्द का प्रयोग। ठीक है, उसी प्रकार से अमला किसे कहते हैं, अमला देखिएगा, अमला तो जमींदार के अधिकारी को अमला कहा जाता है, जमींदार का जो अधिकारी होता है अधिकारी को अमला कहते हैं दोस्तों, याद रखे अच्छे से। मैं कह रहा हूं दोस्तों अब की बार पुष्पराज झुकेगा नहीं, ये सब प्रश्न याद करेगा, तो याद करना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मेरे 100 में से 100 नंबर आने चाहिए तो दोस्तों आप क्यों फिर याद करो तुरंत, मैं अभी आपके पास समय है दोस्तों, समय है, बदल जाओ, खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, और समय ने बदला तो दोस्तों बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं आप समझ जाइएगा। अमला किसे कहते हैं, तो जमींदार के अधिकारी को अमला कहा जाता है। आगे देखो जोतदार किसे कहते हैं, जोतदार। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैं कह रहा हूं दोस्तों आपके सामने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट के अनुसार, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों। जमींदार किसे कहते हैं, जमींदार, तो याद रखना धनी किसान वर्ग को कहते हैं जोतदार दोस्तों, जोतदार है सॉरी, जमींदार तो किसानों के लिए प्रयोग होता था। जोतदार की बात करें तो धनी किसान वर्ग को जोतदार कहा जाता है। अभी मैं प्रश्न यहां पर बात करने वाला दोस्तों, प्रश्न आपके पूछा जाएगा जमींदार और जोतदार में क्या-क्या अंतर है, अभी अंतर की भी बात करेंगे। तो देखिएगा धनी किसान वर्ग जो होता है, ठीक है, जो पैसे से परिपूर्ण है, धनी किसान वर्ग को जोतदार कहा जाता है। नियंत्रण, अब जो जोतदार का नियंत्रण होता था वो किस पर होता था, तो स्थानीय व्यापार पर होता था, इसके अलावा साहूकार के कारोबार पर इसका नियंत्रण होता था, गरीब कास्तकारों पर व्यापक शब्द का यह प्रयोग करते थे। तो यह प्रमुख आप लिख सकते हैं कि जोतदार से आप क्या समझते हैं, तो जोतदार जो है जोतदार किसका नियंत्रण होता था, तो इन पर जो है जोतदार का नियंत्रण होता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने जोतदार जमींदार। मैं कह रहा हूं दोस्तों ये प्रश्न आप याद करना अच्छे से, जोतदार और जमींदार में अंतर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, एग्जाम में इंपोर्टेंट है, जोतदार और जमींदार में अंतर क्या है। एक तरफ तो मैंने लिख दिया जोतदार, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों, एक तरफ आपको जोतदार लिखना है, दूसरी तरफ आपको जमींदार लिखना है, फिर दोस्तों इस प्रकार से स्केल से जो है वो लाइन खींचना दोस्तों, फिर अलग अलग आपको लिखना है। जैसे यहां पर देखो जोतदार के अंदर पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जोतदार जो है वो गांव में जोतदारों की जो शक्ति है वो जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। पहला पॉइंट जोतदार के अंदर आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जमींदार जो है वो किसी भूमि के बड़े या छोटे भाग का स्वामी होता था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं जोतदार में, ये गांव में रहते थे, जोतदार जो है वो गांव में रहते थे और जमींदार जो है ये शहरों में रहते थे। इनमें अंतर पूछा जा रहा है, अंतर तो अंतर आपको इसी तरीके से लिखना है। आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट कि जोतदार का जो अर्थ है वो है धनी किसान वर्ग, ठीक है, जो पैसों से संपन्न है। ठीक है, धनी किसान वर्ग को जोतदार कहते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं जमींदार, तो जमींदार का यहां पर अर्थ है राज्य का संग्राहक, मतलब राज्य का संग्राहक यानी अंग्रेजों का एक तरीके से नौकर, जो अंग्रेज जो है उस पर अंग्रेजों के अधीन रहते थे। ठीक है, तो याद रखना राज्य का संग्राहक अंग्रेजों का नौकर होते थे जमींदार, और जो धनी किसान वर्ग है वो जोतदार। इनकी जो है दोस्तों गांव में रहते थे ये, इनकी खुद की जमीन होती थी, और ये जमींदार जो वो शहरों में रहते थे। आगे देखिएगा आगे जो अंतर और लिख रखा है इसमें, अब देखो
प्रश्न पूछा जाएगा जोतदार और जमींदार के क्या क्या कार्य हैं। तो आप कार्य भी लिख सकते हैं, जोतदार के प्रमुख कार्य हैं, गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण करते थे, और जमींदार का कार्य है कृषि व्यवसाय का नियंत्रण करना, किसानों से राजस्व को वसूलना। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग कार्य आपको इसी तरीके से जो है लिखने हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है दोस्तों, पांचवी रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पांचवी रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखेगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पांचवी रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखेगा, तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसी तरीके से लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों कि 1813 में ब्रिटिश संसद में यह रिपोर्ट पेश की गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि यह जो पांचवी रिपोर्ट है यह ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, 1813 में, याद रखना 1813 में ब्रिटिश संसद में यह रिपोर्ट पेश की गई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 को, याद रखें। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषय में जानकारी थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के बारे में जानकारी थी दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये जो पांचवी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 1002 पन्नों की थी, कितने पन्नों की थी पांचवी रिपोर्ट, 1002 पन्नों की थी। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसमें जमींदार रेत की अर्जियां अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट शामिल थी। पांचवा इसमें लिखेंगे कि पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य जो है वो बहुमूल्य हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके सामने पांच पॉइंट जो है वो पांचवी रिपोर्ट से संबंधित लिखना है। अब आप देखिएगा इसमें जो है प्रमुख बात क्या बताई गई, पांचवी रिपोर्ट में क्या प्रमुख बात बताई गई दोस्तों, वो देखते हैं अभी फटाफट। देखिएगा पांचवी रिपोर्ट में जो प्रमुख बात बताई गई वो देखिएगा, ये है आपके सामने, इसमें देखेंगे आप सभी। तो इसमें प्रमुख बात यह थी कि जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में, नीलामी मैंने बता दिया, जमीनों को ऊंची बोली लगाकर बेचना। ठीक है, तो नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्व जो है, राजस्व, ठीक है, राजस्व दोस्तों, ये जो राजस्व है, राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था। ठीक है, समय पर नहीं वसूल किया जाता था, और काफी हद तक जमीनें जो होती थी वो समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख इसमें बात बताएगी दोस्तों। याद रखना पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, 1813 में, याद रखना ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, 1813 में, याद रखना। यह प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से देखते हैं आगे, बुकानन कौन था दोस्तों, बुकानन बताओ जल्दी से। देखो बुकानन की बात करें तो बुकानन जो है दोस्तों, अभी देखो बुकानन ये राजनीतिक दार्शनिक तथा चिकित्सक था बुकानन। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेसली का शल्य चिकित्सक रहा है। और बात करें तो बुकानन जो है, बुकानन इसे हेमिटटन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेमिटटन। और याद रखना कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की, जो अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी, चिड़ियाघर की स्थापना की, जो क्या कहलाया दोस्तों, अलीपुर चिड़ियाघर। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा दोस्तों। एक तो बुकानन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कारणविलास, तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखना, बुकानन और कारणविलास वाला। इसी प्रकार से देखते हैं आगे, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, पहाड़ी लोगों से आप क्या समझते हैं, पहाड़ी लोग, एक तो पहाड़ी लोग है, एक संताल लोग है। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों पहाड़ी और संताल लोग, देखिएगा यहां से एक नंबर के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपके सामने है पहाड़ी लोग, एक है पहाड़ी, एक है आपके सामने संताल लोग। अब देखिएगा पहाड़ी जो लोग है ये किसके प्रतीक है, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये किसके प्रतीक है और संताल लोग ये किसके प्रतीक है। ठीक है, संताल तो है आपके हल के प्रतीक, याद रखें कि दोस्तों संताल जो है वो किसके प्रतीक है, हल के प्रतीक है, और पहाड़ी जो लोग है वो किसके प्रतीक है, कुदाल के प्रतीक है, कुदाल की। तो एक प्रश्न डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं पहाड़ी लोगों से आप क्या समझते हैं, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि राजमहलों की पहाड़ियों के इर्द गिर्द यानी आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो पहाड़ी कहलाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये झूम खेती किया करते थे। अब झूम खेती क्या होती है दोस्तों, झूम खेती यानी बदल बदल कर खेती करते हैं, स्थानांतरित कृषि भी हम कह सकते हैं, झूम खेती को बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष की लकड़ियों को जलाकर राख बना दिया जाता है। ठीक है, और मिट्टी की यानी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और 3 या 4 साल तक जो है वहां पर अच्छी फसल होती है, फिर वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर की जाती है। ठीक है, तो यानी जो बदल बदल कर कृषि की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं, और झूम खेती कौन किया करते थे, पहाड़ी लोग किया करते थे। तो ये झूम खेती क्या करते थे, ये इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे, याद रखना दोस्तों, याद रखना अच्छे से। ये कहां रिया करते दोस्तों, कहां रहते थे, तो इमली को पेड़ ना दोस्तों, इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ी। अब दोस्तों झोपड़ी में देखो, इस तरीके से झोपड़ी बनाकर जो रिया करते रहते थे ये। इसके अलावा आम के पेड़ के छांव में आराम करते दोस्तों। अब आपको पता है दोस्तों पहाड़ी लोग हैं, तो आम खा कर ही दोस्तों उसके नीचे रहा करेंगे। आम याद रखिएगा दोस्तों, आम मैंगो, आम के पेड़ के छांव में आराम किया करते दोस्तों, आराम करते, खाते और मजा करते दोस्तों। ठीक है, और बात करते क्योंकि
इमली तो खट्टी होती है दोस्तों, इमली खट्टी होती है इसलिए उसके नीचे घर बना देते थे। तो ये याद रखना है, आम के पेड़ के छांव में आराम किया करते थे। पूरे प्रदेश को ये निजी यानी प्राइवेट भूमि मानते थे, ठीक है। इसके अलावा बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। इनके मुखिया जो है, इनके मुखिया समूह में एकता बनाए रखते थे। पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे, जिन्हें पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता है। देखो ये प्रश्न आ गया, पहाड़ी जो लोग हैं दोस्तों उनको किसका प्रतीक मानते हैं? कुदाल का प्रतीक मानते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, मैं संथाल का ले लेता हूं, ठीक है। प्रमुख देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने वो ये आ गया, देखो संथाल। अभी मैंने बात किया पहाड़ी लोगों की, जिक्र किया, अब संथाल लोग देख लीजिएगा। संथाल लोग से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे संथाल लोग, देखो संथाल लोग जंगलों में इमारती लकड़ी काटते हुए, जमीन जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए निचली पहाड़ियों में अपना कब्जा जमा लिया तथा ये पहाड़ी लोगों के लिए एकता खतरा पैदा हुआ। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, याद रखना है, देखो आप सभी को, संथाल लोग जो है जंगलों में इमारती लकड़ी काटते हुए, जमीन जोतते हुए, ठीक है, चावल तथा कपास उगाते हुए निचली पहाड़ियों में अपना कब्जा जमा लिया तथा यह पहाड़ी लोगों के लिए एक नया खतरा पैदा हुआ, ठीक है। और बात करें तो संथाल जो लोग हैं इन्हें हल का प्रतीक मानते हैं। संथाल लोग जो है वो 1800 में आए थे और 1838 में गांवों की संख्या 40 थी और बढ़कर इनके 1851 में 1443 हो गई थी। इस प्रकार से लगातार जो है इनकी जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब बात करें तो जनसंख्या जो है दोस्तों, जनसंख्या पहले देखो 1800 प्रमुख 3000 थी और 3000 से डायरेक्ट बढ़कर 8200 हो गई, ठीक है। इस प्रकार जो है लगातार इनकी जनसंख्या बढ़ती रही और यह पहाड़ी लोगों के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया, ठीक है। तो यह प्रमुख आपको संथाल लोगों में दोस्तों इसका आंसर लिखना है। देखो मैं थोड़ा फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों चैप्टर ज्यादा लिए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। आगे देखो दक्कन दंगा आयोग, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दक्कन दंगा आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है पहाड़ी, संथाल और दक्कन दंगा। दक्कन दंगा की बात करें, दक्कन दंगा आयोग पर टिप्पणी लिखिएगा। देखो पहले दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत कब हुई थी याद रखना, 12 मई 1875 को दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत हुई। अब देखो ये आयोग जो है किसके खिलाफ चला? तो साहूकारों के खिलाफ चला। अब क्यों चला? क्योंकि साहूकार जो है, साहूकार ने किसी व्यक्ति की जमीन हड़प कर नीलाम करके कोर्ट से आदेश ले लिया था, इसलिए ये दक्कन दंगा आयोग हुआ दोस्तों, ठीक है। इस आयोग ने 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, ये जो दक्कन दंगा रिपोर्ट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो 1878 में पेश की गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखें। और ये आयोग जो है महाराष्ट्र, पन्ना, अहमदाबाद और सतारा, ठीक है, इन सोलापुर जिलों के अंदर प्रमुख ये फैला हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना प्रमुख पॉइंट, ये जो आयोग है दक्कन दंगा आयोग, ये कहां कहां फैला हुआ था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की गई थी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अब एग्जाम में जैसा मैं पूछ लेता है दक्कन दंगा आयोग की शुरुआत कब हुई थी और हम क्या करते थे 1878 कर देते, नहीं दोस्तों, शुरुआत तो 1875 में हुई थी और रिपोर्ट पेश की जाती है 1878 में, याद रखें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखो आपके सामने जो है 10वां चैप्टर। अब देखो ये जो मैंने बताई दोस्तों, ये जो चैप्टर था आपका उपनिवेशवाद और देहात, आपके 6 नंबर पक्के हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अब ये है 10वां चैप्टर आपका, 10वां चैप्टर जिसका नाम है विद्रोही और राज, और विद्रोही और राज से संबंधित भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। तो एक बार सभी क्लास को जो है मिलकर शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए दोस्तों, आप ही के लिए मैंने ये प्रमुख क्वेश्चन लिए हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत का गवर्नर जनरल, तो ये था लॉर्ड कैनिंग, याद रखें लॉर्ड कैनिंग था। उसी प्रकार से मैं यदि बात करता हूं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन देखेगा, लखनऊ में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब शुरू हुआ लखनऊ में? तो लखनऊ में ये विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो ये वी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपके सामने, की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता आपके सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई थी, ये प्रश्न भी याद रखने। छोटे छोटे क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने आपके सामने लिए हैं। सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? सहायक संधि, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, याद रखें दोस्तों जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1798 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं, सहायक संधि का जनक, तो सहायक संधि का जनक कहते हैं लॉर्ड वेलेजली को। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, सहायक संधि का जनक, सहायक संधि शुरुआत किसने की? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने, और लॉर्ड वेलेजली को ही सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा आगे जो क्वेश्चन आपके सामने वो ये है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये अवध रियासत के बारे में किसने कहा? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध रियासत के बारे में, याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध रियासत के बारे में दोस्तों, याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था,
तो मोहम्मद शाह देखिएगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों याद रखना 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का प्रमुख शासक हुआ करता था। नेक्स्ट है आपके सामने आठवां कि 1856 में, कब 1856 में विधवा पुनर्विवाह शुरू किसने किया, तो लॉर्ड याद रखना दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह शुरू किया था। ठीक है, गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया राज्य कौन सा था, तो सतारा महाराष्ट्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है सतारा महाराष्ट्र गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया प्रमुख राज्य हुआ करता था दोस्तों 1848 में। ठीक है, और उसी प्रकार से यदि मैं आगे बात करता हूं तो देखो कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया, तो अवध रियासत को, कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया गया, अवध रियासत को। और उस समय जो अवध के प्रमुख जो शासक हुआ करते थे वो हुआ कर रहे थे वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है वो अवध रियासत के प्रमुख शासक थे और कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है इस रियासत को हड़प लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट आगे देखो 1857 की क्रांति के समय विद्रोह कहां से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ, याद रखना मेरठ से, सबको पता है 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो प्रमुख था सैनिक कारण। ठीक है, आपको पता होगा भाई जो जो हथियार हुआ करते थे प्रयोग किया हुआ था गाय और सूर की चर्बी का, तो इसलिए दोस्तों ये प्रमुख तात्कालिक कारण था सैनिक कारण, इसलिए सैनिक भड़क गए। सहायक संधि की शर्तें बताइए, जो सहायक संधि इसकी प्रमुख शर्तें क्या है, तो देखो सहायक संधि की प्रमुख शर्तें क्या है, नवाब अपनी सेना को समाप्त कर दे, पहली सहायक संधि की शर्त थी जो नवाब है वो अपनी सेना को समाप्त कर दे, दूसरा अपनी रियासत में अंग्रेजी सेना के टुकड़े को तैनात की जाए, अपने दरबार में विद्वान या पर विद्यमान ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख सहायक संधि के प्रमुख शर्तें थी दोस्तों। आगे देखो हड़प नीति तथा गद्दर से आप क्या समझते हैं, एक होता है हड़प नीति एक गद्दर, तो हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति दोस्तों ये शब्द डलहौजी की नीति के लिए प्रसिद्ध होता था। ठीक है, हड़प नीति अंग्रेजों ने चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और एक एक गद्दर, गद्दर की बात करें गद्दर तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है गद्दर। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप सभी को। इसी प्रकार से देखेगा देहात और रेजिडेंट से क्या तात्पर्य है, देहात और रेजिडेंट, देहात ग्रामीण क्षेत्र को देहात कहते थे, जो गांव ग्रामीण जो क्षेत्र हुआ करता था उन्हें देहात कहा जाता, देहात कहा जाता था, रेजिडेंट ये गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था, याद रखे गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि हुआ करता था रेजिडेंट। उसी प्रकार से 16वां देखो, अवध के गांव वालों से निपटने के लिए अंग्रेजों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तो उत्तर आप लिख सकते हैं अवध के ग्रामीण लोगों ने संचार, संचार व्यवस्था मजबूत बना रखी थी जिससे अंग्रेजों के आने की सूचना मिल जाती थी, अंग्रेजों के आने की सूचना मिलने पर ग्रामीण लोग तुरंत जो है तीतर बितर हो जाते, मतलब सचेत हो जाते, जिससे अंग्रेज उन्हें पकड़ने में जो है वो असमर्थ थे। ठीक है, गांव वालों की संख्या अधिक थी तथा उनके पास बंदूकें भी थी, इसलिए अंग्रेजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये लिखेंगे कि अवध के गांव वालों से निपटने के लिए अंग्रेजों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो ये इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग विरोधी क्यों थे, तो अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिकार करने के बाद प्रमुख जैसे तालुकदारों की जमीनें जो है वो छीन ली गई थी, सेनाएं जो है भंग कर दी गई थी, किले नष्ट कर दिए गए थे, तो ये आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग विरोधी क्यों थे, तो अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिकार करने के बाद जो है वो तालुकदारों की जमीन छीन ली गई थी, सेनाएं भंग कर दी गई थी और किले जो है वो नष्ट कर दिए थे। फिरंगी शब्द किस भाषा का शब्द है, फिरंगी, तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है ना कि अंग्रेजी, फिरंगी फारसी भाषा का शब्द, याद रखें। 1857 के क्रांति का आर्थिक तात्कालिक कारण को स्पष्ट कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, वैसे ये क्वेश्चन आपको सीरीज के अंदर भी मिल जाएंगे और हाँ दोस्तों नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे वैसे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है 1857 क्रांति का प्रमुख आर्थिक और तात्कालिक कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वां देखिएगा, 11वां महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये अपना चैप्टर शुरू होता है। अभी हम जो है वो दो चैप्टर देख चुके हैं, उपनिवेशवाद देहात और देख चुके हैं, और 10वां चैप्टर देख चुके हैं, और ये 11वां है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिएगा ये चैप्टर आपके जो है प्रमुख 7 नंबर का चैप्टर है। तो पहला पॉइंट यहां पर ये पूछा है कि भारतीय राष्ट्र के पिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र के पिता कहा जाता है, याद रखें। ठीक है, गांधी जी विदेश से अपने गृहभूमि वापस कब आए, तो 1915 में आए थे। सबको पता है गांधी जी जो है वो कब गए थे विदेश, विदेश तो गए थे 1893 में, कब गए थे 1893 में विदेश गए थे, और 1915 के अंदर वापस अपने गृहभूमि जो है भारत लौट जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उग्रपंथी नेताओं के नाम बताओ, तो उग्रपंथी नेताओं के प्रमुख नाम है दोस्तों, याद रखें, उग्रपंथी नेता जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाल बाल पाल। देखिएगा, लाल से आप याद रख सकते हैं लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, याद रखना दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये याद रखना है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं बाल, तो बाल से आप याद रखना बाल गंगाधर तिलक, बाल बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। उसी प्रकार से यहां पर पाल से दे रखा, तो विपिन चंद्रपाल, विपिन विपिन चंद्रपाल,
इन्हें जो है संयुक्त रूप से चंद्रपाल, इन्हें जो है वो संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है और ये उग्रपंथी नेता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथा कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाया, कब अपनाया था गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया था। अब प्रश्न यहां पर क्या बनता है आपको पता है, प्रश्न ये बनता है कि जैसे हमारे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह याद रखो दोस्तों, पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ करते थे वो कौन थे, विनोबा भावे जो है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, तो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे दोस्तों ब्रह्मदत्त, ठीक है याद रखना, ब्रह्मदत्त जो है वो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों आपको याद होने चाहिए, पहला विनोबा भावे, दूसरा ब्रह्मदत्त और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रमुख तीन व्यक्तिगत सत्याग्रह हैं। आगे देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, तो मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में लाहौर में जो है याद रखना पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और यह मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो की थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, इन्होंने जो है स्वराज दल की स्थापना की थी, याद रखना दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। आगे देखो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसकी प्रमुख शर्तें बताइएगा, तो गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ये याद रखना, समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया इसके तहत, इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की अनुमति दी गई, ये प्रमुख इसकी शर्तें हैं दोस्तों, याद रखना गांधी इरविन समझौते की। देखो ब्रिटिश शासन के, मैं कह रहा हूं दोस्तों अभी आपके पास समय है, अगर आप इस समय को सदुपयोग करेंगे और ये सब प्रश्न आप याद कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपके 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अभी आपके पास समय है, अभी इतने सारे दिन पड़े हैं, सभी आप चैप्टर वाइज ये मैं जो करवा रहा हूं ये सभी याद होने चाहिए, सभी क्वेश्चन अगर ये याद करेंगे तो ये 100 आएंगे दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण जो था वो क्रिप्स मिशन, ठीक है क्रिप्स मिशन। ब्रिटेन ने लेबर पार्टी की सरकार कब बनाई, तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो सरकार वो बनी थी 1945 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में, ठीक है। और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने बता दिया आपको, 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह चुना, दूसरा ब्रह्मदत्त को, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आगे देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था, यह क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, कहां हुआ था, तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था आपके पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में ये समझो ये जो है हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसमें जनरल डायर सभा में प्रवेश करता है, गोली चलाने का आदेश देता है सिपाहियों को और गोलियां चलाते हैं, इस प्रकार से जो है 1000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है और ये पंजाब के अमृतसर में चला था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट आगे देखेगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताओ, तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखे गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, ये प्रश्न मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आप याद कर लेना अच्छे से दोस्तों, भूलना मत, आप सभी याद करना अच्छे से, ठीक है। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, देखो ये प्रश्न पूछे जाते, देखो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये आपके हो गए उदारवादी नेता। अभी हमने देखे थे उग्रपंथी नेता, ठीक है, एक तो उग्रपंथी देखे थे, ये उदारवादी तो ये हो गए और उग्रपंथी ये हो गए। उग्रपंथी कौन कौन थे, लाल बाल पाल, ये तो आपके क्या हो गए, उग्रपंथी हो गए, और उदारवादी में ये आ गए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वही गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ये जो हो गए दोस्तों उदारवादी नेता, बाकी उग्रपंथी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी किस प्रकार जनता में प्रिय थे। अब प्रश्न यहां से बड़ा बनेगा दोस्तों लघुतरात्मक रूप में, कि महात्मा गांधी किस प्रकार लोगों के बीच प्रिय थे, ठीक है। तो देखो लोगों के बीच महात्मा गांधी किस प्रकार प्रिय थे, तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी सदैव आमजनों से घुल मिलकर रिहा करते थे, ठीक है, यानी गांधी जी जो है वो लोगों के बीच किस प्रकार प्रिय थे, गांधी जी लोगों में प्रिय हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि गांधी जी जो है अपना खुद का काम खुद किया करते थे,
ठीक है, किसी दूसरे से नहीं करवाते थे और खुद को जो है विशेष व्यक्ति नहीं दर्शाते थे। ठीक है, तो ये प्रमुख रीजन थे। देखो पहला है, गांधी जी सदैव आमजनों से घुल मिलकर रहा करते थे, स्वयं को विशेष व्यक्ति नहीं दर्शाते थे। गांधी जी लोगों के दुखों को अपना दुख मानते थे और गांधी जी साधारण व्यक्ति की तरह धोती पहनते थे। ठीक है, गांधी जी अपने कार्य स्वयं करते थे, वह अपना आम लोगों से साधारण तथा सरल भाषा में बात किया करते थे। तो ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी किस प्रकार जनता में प्रिय थे, तो ये प्रमुख पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, चलो इसके अलावा प्रमुख आगे बात करते हैं तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद की परिभाषा लिख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह कब हुआ भाई? फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन। गांधी जी ने BHU, ठीक है, BHU में भाषण जो है वो कब दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसमें भाषण कब दिया था BHU में, बताओ? इसमें दिया था 1916 में। ठीक है, याद रखना 16 में दिया था, 1916 में। अब निम्न पर टिप्पणी लिखेगा, तो ये आप जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, वैसे आपने पढ़े होंगे, मेरे नोट्स भी पढ़े होंगे। एक तो रोलेट एक्ट के बारे में अच्छे से देखना है, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में देखना है, चंपारण किसान आंदोलन 1919 में, और चंपारण किसान आंदोलन दोस्तों आपको पता होगा उत्तर बिहार के चंपारण जिले में शुरू होता है चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 दे रखा है। खिलाफत आंदोलन, देखो खिलाफत आंदोलन का भारत की आजादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था, यह अपने धर्म को बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, यह भी पूछा जाता है। और साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? साइमन कमीशन का विरोध कहां कहां हुआ? साइमन कमीशन का विरोध जो है वो 3 फरवरी 1923 को बंबई में इसका विरोध होता है, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको इनके बारे में अच्छे से अपने नोट्स में मैंने अच्छे से लिखा रखे हैं, आपने पढ़े भी होंगे। तो ये बड़े बड़े प्रश्न जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि महात्मा गांधी लोगों के बीच किस प्रकार प्रिय थे, संक्षेप में लिखो। ठीक है, और प्रमुख जैसे इन पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, तो इनके बारे में आपको याद अच्छे से कर लेना है। मैं तो कहता हूं बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे दोस्तों, केवल घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो वही होंगे। ठीक है, मैं पूरा 100% में कह रहा हूं दोस्तों, प्रश्न आएंगे तो यही से आएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं सभी। अब देख लेते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है अपना, ये देखेगा भारत का संविधान, और भारत का संविधान इससे भी एक बड़ा प्रश्न बनेगा। वैसे इसमें मैंने छोटे क्वेश्चन लिए हैं, बाकी मैं मैराथन क्लास लगाऊंगा उसमें और अच्छे से कवर करवा देंगे। देखिएगा भारत का जो संविधान है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य का प्रावधान था? तो 389 सदस्य, याद रखना संविधान सभा में जो है कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 389। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जो है प्रमुख अध्यक्ष कौन है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है, तो फिर आपको करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान के प्रमुख क्या अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो फिर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करना है। अगर यहां पर अगर पूछ ले जाए कि प्रस्तावना के जनक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं आगे कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे आपके सामने भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? अब ये कंफ्यूज करता है हमें कई बार, देखो हम 1950 कर देते हैं, मतलब अंगीकृत का मतलब बनकर कब तैयार हुआ भारतीय संविधान? तो ये हुआ था 1949 में। कब? पूरी डेट याद रखना आप सभी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो ये हुआ था 26 नवंबर, याद रखना, भूलना मत आप सभी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ठीक है, और हमारे संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान पर हस्ताक्षर कब होते हैं? 24 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको याद रखने होंगे कि जो संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं। और याद रखना संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक होती है। ठीक है, और पहली बैठक होती है उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, फिर बाद में अगली होती है अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रस्तावना को जो है वरीयता मिल जाती है। यानी दोस्तों प्रस्तावना, ये थीम प्रकृति भाषा, प्रस्तावना की थीम यानी प्रकृति भाषा कहां से, किस संविधान से ले गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए हैं, वैसे आपको ये पता होगा। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रश्न यहां से बन सकते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? देखो प्रस्तावना में, देखो आपको पता होगा, एक तो समाजवाद है, एक पंथनिरपेक्षता है, और एक अखंडता है। ये शब्द जो है आपके भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए हैं दोस्तों।
कि सर संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, तो 42वां। अब एक शब्द आ गया संविधान संशोधन, तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने और क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा। देखिएगा मैं यहाँ पर बात करता हूँ 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में होता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े जाते हैं। उसी प्रकार से आपका एक 46वां संविधान संशोधन होता है। 46वां कब होता है, 1978 में होता है। और 1978 में दोस्तों मौलिक अधिकार पहले सात हुआ करते थे, सात मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया जाता है दोस्तों। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 46वें संविधान संशोधन में जो है एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के 6 मौलिक अधिकार कर दिए। तो ये 42वां संविधान संशोधन और 46वां संविधान संशोधन। उसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 73वां संविधान संशोधन ये होता है 1992 में। उसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन कब होता है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। दोनों 1992 में होते हैं, याद रखें। 73वां संविधान संशोधन ये आपके यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और जो 74वां संविधान संशोधन है ये शहरी निकाय यानी कहने का मतलब ये नगरपालिका से संबंधित है, और इसके तहत जो है प्रमुख संविधान सभा की 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। आपको ये तो पता होगा, आपको ये तो पता होगा दोस्तों कि हमारे संविधान में, हमारे संविधान में हमारे संविधान के भाग कितने होते हैं, हमारे संविधान के कितने भाग हैं, हमारे संविधान के जो है प्रमुख 22 भाग हैं। हमारे संविधान के कौन-कौन से भाग हैं दोस्तों, हमारे संविधान के 22 भाग हैं, जिसमें जो भाग 1 है, भाग 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 में बताया गया है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, नागरिकता। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, प्रमुख, ये प्रमुख आपको याद रखना है। वैसे मेन मेन आप याद रखना कि संविधान में हमारे 22 भाग होते हैं, ठीक है। और प्रमुख अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुसूची की बात करें तो हमारे 12 अनुसूची होती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें अनुच्छेद 395, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख आगे बात कर लेते हैं, आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि प्रस्तावना के जनक कौन है, प्रस्तावना के जनक, तो प्रस्तावना के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे आप सभी। प्रस्तावना के जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक प्रश्न देखो अनुसूचियों से प्रश्न जरूर मुझे लग रहा है कि अब की बार आ सकता है, तो थोड़ा सा देखिएगा मैं आपको यहां पर बता देता हूं अनुसूचियों से संबंधित। देखो अनुसूचियों में आपको यह याद रखना है जैसे कौन से अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई। अब आपको यह तो पता होगा जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों अच्छे से देखिएगा, पहला संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन यह कब हुआ था, पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था आप सभी को पता होगा, कब हुआ था भाई, 1952 में। 1952 में पहला संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों याद रखना 1951 में हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित बात की गई है, याद रखना भूमि में सुधार करो, किस संविधान संशोधन के तहत, ये पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में हुआ। और कौन से अनुसूची जोड़ी जाती है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, कौन से अनुसूची जोड़ी जाती है, 9वीं अनुसूची। उसी प्रकार से आपके सामने दोस्तों एक होता है 52वां संविधान संशोधन, थोड़ा समझना दोस्तों 52वां संविधान संशोधन यह कब हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। और इसमें जो प्रमुख बात कहेगी वो दल बदल संबंधी बात कहेगी, किसकी बात कहेगी दोस्तों, दल बदल। और याद रखना दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है आपकी, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती है, तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती है। इसी प्रकार से 42वां संविधान संशोधन में याद रखना है कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं दोस्तों, प्रस्तावना आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताए थे, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े जाते हैं। और इसमें आपको ये याद रखना दोस्तों प्रस्तावना में ये सब जोड़े गए थे। इसके अलावा एक पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और आपको याद रखना कि भाई 6 मौलिक अधिकार हैं, एक मौलिक पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए, एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। और बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। और इसमें जो है कौन सी अनुसूची जोड़ेगी, 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। उसी प्रकार से आपका एक 74वां संविधान संशोधन होता है, देखिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो प्रमुख 74वां संविधान संशोधन, ये तो याद कर लेना आप सभी इनको, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ था, याद रखना। और 74वें संविधान संशोधन आपको पता होगा दोस्तों, देखिएगा इसमें कौन से अनुसूची जोड़ी जाती है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और ये आपका शहरी निकाय यानी नगर पालिका से संबंधित है। तो ये प्रमुख संविधान संशोधन और अनुसूचियां पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल। अब देखते हैं प्रमुख आगे आपके सामने, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे आगे बात कर लेते हैं फटाफट, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाँ इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान में देखो, भारत का लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष के नाम से जानते हैं, सबको पता है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री कौन है दोस्तों, बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री हैं।
सर्वोदय योजना का प्रारंभ कब किसने किया? विनोबा भावे ने, ठीक है, विनोबा भावे ने जो है वो सर्वोदय योजना का प्रारंभ किया था। इसके अलावा शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया, शिक्षा को किसमें सम्मिलित किया गया? संवर्ती सूची में, ठीक है। हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है वो प्रस्तावना है, ठीक है। भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में, हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ही बताइएगा। देखो बड़ा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है और यह प्रश्न भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखो हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों, ये विश्व का सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है दोस्तों, याद रखेंगे। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, इसके अलावा नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, ठीक है, और एकल नागरिकता और मौलिक अधिकार। नम्यता अनम्यता का मतलब हुआ हमारे संविधान में जो है, यानी कि दोस्तों, यानी संशोधन करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है, और संशोधन करना भी इतना आसान नहीं है, और इसमें बदलाव, संशोधन मतलब बदलाव करना भी आसान नहीं है, उसी प्रकार इसमें कुछ नए शब्द जोड़ना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें है एकता पर बल दिया, एकल नागरिकता है हमारे संविधान में, और मौलिक अधिकार, ठीक है, सभी का उल्लेख है इसमें। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार कर्तव्य, इसके अलावा सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को यानी वोट देने का अधिकार है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली। तो ये सब जो बिंदु हैं आपके भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, ये आपको लिखने हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है आपको, देखो ये पॉइंट अगर आप इनके इनसे संबंधित अगर प्रश्न ऐसा बड़ा आ जाए तो आपको ये पॉइंट है जैसे कि जैसे इसी प्रकार से लिखने हैं, और फिर नीचे से शुरू होना है। वापस पॉइंट नंबर 1 लगाया, सबसे लंबा लिखित संविधान, फिर लिखना कि हमारा जो संविधान है वो यानी विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, इस प्रकार से कॉपी का पेज आपको भरना है, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर बड़ा आपको जो है थोड़ा आंसर ज्यादा लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है हमने सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर किए, ये थे हमारे प्रमुख सभी क्वेश्चन दोस्तों, इन चारों चैप्टरों के अच्छे से मैंने करवा दी है, ठीक है। मैंने फटाफट करवाई दोस्तों, मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी वीडियो लंबा हुआ है। तो इसमें देखो लंबा हो कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी प्रश्न को अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये ब्लू प्रिंट के अनुसार ही दोस्तों मैंने मिला है, ब्लू प्रिंट के अनुसार ही आप इनको अच्छे से याद करेंगे। और आप जो है अगर आप चाहते कि भाई ये मुझे इतने सारे जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो आप 30 रुपये में सीरीज मिल रही है, ज्यादा पैसे नहीं, 30 रुपये में, ठीक है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहा हूँ 30 रुपये में सीरीज, सिर्फ सीरीज की तो प्राइस लगेगी दोस्तों, नोट्स की सीरीज की। बाकी आप सीरीज चाहिए तो सीरीज आप खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखे हैं। चलो तो फिर मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।